वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु बिद पेखी। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल सिखां ने बेनती कीती कि हे महाराज, ऐसा सुख दसो जिस नाल साड़ी तृष्णा निवृत्त हो जाए। गुरु पातशाह जी ने कहा कि हे सिखो, तुसी केहड़ियां केहड़ियां चीज़ां वेखियां हन, तां सिखां वल्लों बेनतियां नूं अपनी पावन बाणी द्वारा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करदे हन। चल रही लड़ीवार विचार पावन अंग 179 ते सतगुरु कृपा कर रहे हैं। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु बिद पेखी। हे महाराज जी, यह माया बहुत रंगा वाली है। किसी नू रजो गुण, किसी नू तमो गुण, ते किसी नू सतो गुण होके चिंबड़ी हुई है। इस करके बहुत विधियां पूर्वक मोह दी वेखी गई है। कलम कागद सियान भलेखी, किसे नू यह माया कलम रूप होके चिंबड़ी है। भाव मूहों तो मिठिया मिठिया गल्लां करदे हन, जदों कलम वाहुंदे हन उस वेले किसे दी लिहाज मसूल नहीं करदे। किसे नू परवाना रूप होके चिंबड़ी हुई है, भाव परवाने दे के किसी नू नोटिस टैक्स वगैरह लगाउंदे हन। कईआं नू सियाणपां रूप होके चिंबड़ी हुई आ, जिवें साइंसदान आदिक अपनी सियाणप नाल परमाणु बंब आदिक तैयार करदे हन, अते कईआं नू लेखी लिखारी रूप बन के इह माया चिंबड़ी हुई आ। भाव कहिंदे हन कि मैं ही सब तों सोहणी कविता लिखदा हाँ, इत्यादि बहुत सारे कागज़ ते कलमां लै के सियाणपां लिखण लगे हुए हन कि असी अंदाजा ला के गिणती गिण के दस देंदे हाँ। इउं किसे दे ताई लिखारी पुणे विच माया चिंबड़ी है। कर्मा रूप कलम द्वारा चित्र गुप्त रूपी लेखी लिखारी जीव दी सियाणप द्वारा उसके अंतकरण रूपी कागज ते चंगा माड़ा लेखा लिखते हैं। कईआं ने वाशना रूपी कलम पकड़ी हुई है, कईआं दा मत्था रूप कागज बनया हुआ, कईआं दी बुद्धि दी सियाणप लिखारन बनी हुई है। ये सब माया ही चिंबड़ी हुई है। महर मलूक होए देखे आ खान, कई बारी महर गुजरां दे नंबड़दार, मलूक बलोचां दे सरदार, अते खान पठाणा दे विच्चों सरदार हो के भी वेख्या है। पठाणा विच्चों सरदार अपने आप नूं खान कवाउंदे आ। सारयां दे दिलां दे महर महरू भाव जाणू हो करके मलूक पातशाही लिबास पहन के बहादुर पठान बन के भी वेख्या है। ताते नाही मन त्रिपतान, ताते कहिए तिस पदार्थां करके मन तृप्ती विच नहीं आउंदा, मन रजदा ही नहीं, संतुष्ट नहीं हुंदा। सो सुख मोको संत बतावो, हे संत महात्मा जनो ओह सुख मैनू बतावो, कहिए दसना करो। तृष्णा बूझै मन त्रिपताव हो रहाव, जिस नाल हिरदे विचों भोगां दी रसां कसां दुनिया दे पदार्थां स्वर्ग लोक आदि दी तृष्णा आसा इच्छा बुझ जावे मिट जावे, साडा मन त्रिपतावो तृप्ती विच आ जावे रहाओ। अस पवन हस्त असवारी, हे महाराज, घोड़े जो पवन हवा तो भी तेज दौड़दे हन, अते हस्त हाथियां दियां असवारियां करके भी वेखियां। चोआ चंदन सेज सुंदर नारी, चोआ अगर दी लकड़ तो टपकाया होया तेल, अते चंदन आदि दी सुगंधी शरीर कपड़ियां उत्ते लाउणी। दुध दी झग वर्गियां कोमल सेजां सौण दा बिस्तर पलंग बना ले, अते बहुत ही सुंदर सोहणियां नारी इस्त्रियां भी विशे रस भोगण लई प्राप्त कर लईआं। नट नाटक आखारे गाया, सोहणे नटां दे नाटक तमाशे आखारे अखाड़े विच, पहलवानां दीआं कुश्तियां
ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗਾਇਕਾ ਭਾਵ ਵੇਸਵਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਨਟ ਨਾਟਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਟ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਇਆ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨ ਪਾਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਖਤ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਮੰਡਨ ਸਜਾ ਲਈਆਂ, ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਦਲੀਚੇ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਸਮੂਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੰਡਨ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡਨ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਲੀਚੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਛਾ ਲਏ। ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਸੋਹਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਟਕਾ ਛੋਟੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲਾ ਲਏ। ਆ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਖੇਡ ਕਹੀਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਘਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਲਾ ਚੋਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮਨ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪਰਪੰਚ ਛਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀਲਾ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਹੀਲਾ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀਲਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਹੀਲਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸੱਚ ਕਹਿਆ, ਸੰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਲਹਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਆਦਿ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣ ਰੂਪੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹੋ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਧਨ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੈ ਇਹੋ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੀਅਤ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਉਆਹੂ ਲਪਟੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਪਟੇਰਾ ਲਪਟਿਆ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪਟੇਰਾ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਫਾਸਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਫਾਸਾ ਫਾਹਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਰਾਮ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਵਨ ਕਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ? ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
कवन सुमत जित तरै एह माय रहाउ। ओह कवन केहड़ी श्रेष्ठ मत है जिस करके जीव दा मन माया तो तर जावे उधर जावे। ओह श्रेष्ठ मत ही है जिस करके माया तो तर जावेगा। रहाउ अगे माया विच फसे जीव दी हालत दसदे हन। रहाउ विश्राम दे के फरमाउंदे जो भलाई सो बुरा जानै। इस जीव दा सुभा है कि जे इस दी भलाई करिए तां उसनू ये बुरा जानदा है। इसे प्रकार परमेश्वर भला करना चाहुंदा है उसनू जीव बुरा करके समझदा है। साच कह सो बिखै समानै। जेकर सच कह दईए कि तू एक दिन मरना है तां उस गल ओ गल इसनू बिखै जहर दे समान लगदी है। जाणै नाहीं जीत अरहार। यह जानदा नहीं है कि परमेश्वर दा भजन सिमरन करके मेरी संसार ते जित होवेगी। आर कहिए अते विछियां उगणा विच लगन करके मेरी हार होवेगी हानि होवेगी। मनुख जन्म दी सफलता ते असफलता नहीं जानदा। इहो वलेवा साकत संसार। इहो जिहा साकत कठोर चित वाले पुरशां दा संसार जगत विच वलेवा वरत वरतारा है। संसार विच ये साकत पुरश मूर्ख है। यह हर वक्त संसारी वलेवा पदार्थां दे इकट्ठे करन विच ही लगा रहिंदा है। जो हलाहल सो पीवै बौरा। प्रतख जहर जिहड़ी हलाहल जहर रूप शराब है उसनू पीवै पी करके बौरा कमला होया फिरदा है। पराई निंदिया रूप विषय रूप हलाहल जहर नू पी के बौरा पागल होया फिरदा। अमृत नाम जानै कर कौरा। जो अमर करन वाला अमृत नाम है उसनू कौड़ा करके जानदा है। साध संग कै नाही नेर। साध संगत दे नेड़े भी नहीं आउंदा। लख चौरासी भ्रमता फेर। इस प्रकार लख चौरासी लख जूना विच भरमदा फिरदा भरमदा होया जमण मरण फेरिया विच पिया रहिंदा है। एकै जाल फहाए पंखी। एक माया ने मोह रूपी जाल विच सारे जीव रूपी पंछी फसाए हुए है। रस रस भोग करह बहुरंगी। इस करके जीव रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयां विच तदाकार होके रसां स्वादां दा रसिया होके बहुरंगी अनेकां कौतकां वाली माया दे पदार्थां दे भोगां नूं भोगणा करदा है। कहो नानक जिस भय किरपाल। सतगुरु साहिब जी कहिंदे हन कि जिस जीव उपर महाराज आप किरपालू होए हन। गुर पूरै ताके काटे जाल। पूरन गुरु साहिब जी ने उस दे ममता दे जन्म मरण आदि दे जाल फास कढ दित्ते आ। इस करके पूरे गुरां दी शरण विच पै के श्रेष्ठ मत धारण करके उस दे गुणां नूं गाउणा करो तां संसार समुंदर तों तरना हुंदा। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ। हे वाहिगुरु तेरी किरपा दया तो ही भगती ज्ञान सतसंगत ब्रह्माकार बिरती रूप मार्ग रस्ता पाईदा है। हे प्रभु जी तेरी किरपा मेहर तो ही तेरा अमृत नाम ध्याया जाता है। प्रभ किरपा ते बंधन छुटै। तौ किरपा ते होमै टुटै। हे प्रभु तेरी किरपा तो ही जमण मरण रूप करता भोगता आदि दे बंधन छुटदे खुलदे हन। तेरी किरपा मेहर तो ही होमै हंगता ममता दा पर्दा टुटदा है। तुम लावो तौ लागै सेव। हम ते कशु न होवै देव। रहाओ हे वाहिगुरु जेकर तुसीं सतगुरां दी शरण विच पा के अपनी सेवा भजन बंदगी विच लाउणा करो ताही असीं टहल भजन बंदगी विच
लगांगे, भाव लग सकांगे। हे देव प्रकाश सरूप परमेश्वर, साढ़े तो कुछ भी नहीं हो सकता, रहाओ। तुद भावै ता गावां बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी। हे वाहिगुरु, जेकर तुहानू निष्काम कर्म पा जाण तां तद ही असी तेरी नाम रूप बाणी नू गाउणा करिए। जेकर तैनू पा जाइए तद ही असी तेरे सच्चे नाम दा वखाणी कथन करिए, सच वखाणी बोलना करिए। तुद भावै ता सतगुर मया, सर्ब सुखा प्रभ तेरी दया। हे वाहिगुरु, जेकर तैनू पा जावे तद ही सतगुरु साहिब जी की माया कृपालता हुंदी। हे प्रभु परमेश्वर, सारे सुख तेरी तुहाड़ी दया दयालता विच ही प्राप्त हुंदे आ। जो तुद भावै सो निर्मल करमा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। हे वाहिगुरु, जेडे तुहानू पा जांदे हन वह निर्मल उज्जल कर्मां वाले हो जाते हैं। जेडे तुद कहिए तुहानू पा जाते हैं वह सच्चे धर्मां धर्म वाले पुरख हैं। सर्ब निधान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास। हे वाहिगुरु, सर्ब कहिए सारे परोख अपरोख ज्ञान आदिक दे निधान खजाने अते सत संतोख दया धर्म आदि शुभ गुण तुम ही तुहाडे ही पास कोल हन। तू ही सारिआं दा साहिब मालक है, साडी सेवक दासां दी तां तुहाडे अगे अरदास बेनती ही है। मन तन निर्मल होए हर रंग, सर्ब सुखा पावो सतसंग। हे हरि, आप जी दा रंग प्रेम सानू लग जावे तां साडा मन ते तन उज्जल हो जावेगा, निर्मल पापां दी मैल तों रहत हो जावेगा। इसलिए तुसीं किरपा करके सानू सतसंग बख्शो, क्योंकि सारे सुख तुहाडी सतसंगत विचों ही प्राप्त करी दे हन। नाम तेरै रह मन राता, इहो कल्याण नानक कर जाता। हे वाहिगुरु, तुसीं किरपा करो जिस करके साडा मन हर वेले तुहाडे अमृत नाम विच रंगिया जावे। सतगुरु जी कथन करदे हन, हे परमेश्वर, तेरे ये नाम करके ही कल्याण मुक्ति होनी है। असी तो नाम नू ही मुक्ति का साधन करके जानिया है। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। सतगुरु साहिब जी रसना दे ताई सिख्या दिंदे हुए उपदेश कथन करते हैं। आन रसा जेते तै चाखे, निमख न त्रिसना तेरी लाथे। हे रसना, हे मेरी जीबा, आन होर खट्टे मिठे कौड़े कसैले अते 36 प्रकार दे रसदायक भोजना दे स्वादा नू तैं कहिए तू चखना कीता है। उन्हां स्वादा तो निमख मात्र, निमख अख दे झमकण जिन्ना समा भाव थोड़े मात्र भी तेरी त्रिश्ना इच्छा नहीं लैंदी, निवृत्ति नहीं हुंदी। हर रस का तू चाखै साद, चाखत होए रह है बिसमाद। हे रसना, जे तू परमेश्वर दे रस प्रेम नाम रस दा स्वाद चखना करे, उस रस नू चखदियां सार ही अश्चर्ज हो के रह जावेगी। अमृत रसना पीओ प्यारी, एह रस राती होए त्रिपतारी, रहाओ। हे मेरी प्यारी रसना, तू अमृत नाम रस नू पीना कर। इस नाम रस विच रंग रंगी जान करके तू तृप्त हो जावेगी, रज जावेगी, भाव होर रसा कसा की लोड़ ही नहीं रहनी, रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, हे जेहवे रसना नू ही संबोधन करके कहिंदे आ तू वाक इंद्री है, तेरे अंदर बोलण की शक्ति है, इस करके तू राम परमेश्वर दे गुण नू बोलना कर, गाउणा कर। निमख निमख हर 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 त्याओ, हे रसना निमख निमख काल भाव थोड़े तो भी थोड़े समय विच हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर नू त्यौणा कर। मन बाणी शरीर करके हरि परमेश्वर दे हर हर नाम नू त्यौणा कर। हे मेरे मना, तू निमख अख झमकण दे समय विच संकल्प उठाउणा छड्ड के थोड़े समय विच ही हरि परमेश्वर नू त्यौणा कर।
जो तेरे हरेक पापा नू हर किए नाश कर देवेगा। आन न सुनियै कतहूँ जाइय, साध संगत वडभागी पाइय। हे रसना, परमेश्वर दे गुणा तो बगैर होर कुछ भी सुनिए ते सतसंगत तो बगैर होर किते भी ना जाइए, क्योंकि साध संगत श्रेष्ठ जना दी संगत वड्डे भागा करके पाई दी है। हे मेरे कन्नों, परमेश्वर दे नाम तो बिना होर किसी की दवैश आदि की गल ना सुनिया करो। हे मेरे पैरो, तुसी भी किधरे कुसंगत वल चल के ना जायो। हे मेरे कन्नों, सतसंगत तो बिना होर कुछ ना सुनो, ना ही कतहूँ किते होर पासे गल्लां सुन जाया करो। आठ पहर जेवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। हे जेवे रसना नू संबोधन होके कहिंदे आ, तू उस परमेश्वर नू आठ पहर, अठे पहर तो भाव रात दिने आराधना कर, जो परमेश्वर सारिआं दा ठाकुर मालक स्वामी है, आगाद डूंगा है। ईहा ऊहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। हे रसना, इउं तू ईहा इस लोक विच वी अते ऊहा परलोक विच वी सदा हमेशा ही सुहेली सुखी हो जावेगी। हे रसना, तू हरी दे गुणा नू जस नू गाउंदी होई अमोली किए मोलक बन जावेगी। बनस्पत मौली बनस्पत मौली फल फुल पेडे। उस वाहिगुरु की सत्ता नाल अठारह भार बनस्पति मौली किए प्रफुल्लत हो रही है अते पेडे बूटियां नू फल अते फुल लगे हुए। यह संसार रूपी बनस्पति मौली किए प्रफुल्लत हो रही है अते देहां रूप पेडे बूटियां नू दुख ते सुख रूप फल अते कर्म ते धर्म रूपी फुल लगे हुए है। इस प्रकार वाहिगुरु की सतसंगत रूपी बनस्पति शुभ गुणा करके बड़ी मौल रही आ। सतसंगी कहिए जग्यासु रूपी पेडे बूटियां नू ज्ञान रूपी फल लगा हुआ अते धर्म रूपी फुल लगे हुए हैं। यह रस राती बहुर न छोड़े। ये रसना, जे तू वाहिगुरु दे रस विच रंगी जावे तां फिर कदे भी तू इस नू छड़ेगी नहीं। जेकर तू जग्यासना वाले रंग विच रंगी जावेगी तां मुड़ के प्रभु दे आनंद नू कदे छड़ नहीं सकेगी। आन न रस कस लवै न लाई। होर कोई भी रस कस नाम दे तुल नहीं हो सकता अते ना ही परमेश्वर दे नाम दे लवै कि इस दर्श कोई लग सकता। हे रसना, जो तू मूँह दे नाल रसां अते कसां नू खांदी है परमेश्वर दे नाम रस दे लवै बराबर तां कोई चीज़ नहीं लग सकती। कहो नानक गुर भए है सहाई। सतगुरु साहिब जी कहो कहिए कहिंदे हन कि हे रसना, जिन्हां दे सहाई सहायक गुरु साहिब जी भए किए होए हन उन्हां नू पता लग गया है कि नाम दे तुल होर कोई चीज़ नहीं है। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा। सिखां ने सतगुरु साहिब जी श्री गुरु अर्जन देव जी कोल महाराज जी कोल प्रश्न किया कि महाराज जी, परमेश्वर की प्राप्ति किवें होए? तां सतगुरु जी कहन लगे कि परमेश्वर दे सन्मुख इउं बेनती करो, मन मंदर तन साजी बार। हे सच्चे पातशाह जी, परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते मन रूपी मंदिर दे इर्द गिर्द तन सतूल शरीर रूपी बार वाड़ साजी सजाउणा कीती है। इस ही मध्य बस्त अपार। इसे मन रूपी मंदिर दे मध्य विच ही बेअंत गुणा रूप वस्तुआं हन। इस ही भीतर सुनियत साह। इस मन रूपी मंदिर दे भीतर विच ही शाहूकार रूप परमेश्वर वसदा सुनियत कहिए सुनिया जांदा है। वेदां शास्त्रां रिखियां मुनियां सत पुरशां पासों सुनिया गया है। कवन बापारी जाका ऊहां विसाह। उस शाहूकार परमेश्वर नाल वणज करन वाला वपारी केड़ा है? आप ही प्रश्न करदे आ, आप ही उत्तर दिंदे आ। जाका जिसदा कहिंदे ऊहां उस शाहूकार परमेश्वर उत्ते विसाह भरोसा है, ओह ही वपारी वपार करन वाला है। फिर प्रश्न करदे आ,
नाम रतन को ब्योहारी। नाम रूपी रतन दा कौन कौन ब्योहारी व्यापारी है। अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। उत्तर दिंदे जेड़ा अमृत रूपी भोजन दी आहारी खुराक करदा है खांदा है ओहो ही नाम रतन दा अधिकारी रूप व्यापारी है रहाओ। मन ताने अर्पी सेव करीजै। हे महाराज जी असी अपना मन भी अर्पण कर देईए तन भी भेटा कर देईए अते सेव टहल भी करीजै करिए। कवन सुजुगत जित कर भीजै। ओह कवन केहड़ी श्रेष्ठ जुगती है जिस करके तू भीजै प्रसन्न हो जावे। पाए लगो तज मेरा तेरा। असी तां मेरा तेरा मेर तेर छड़ के आप जी दी पाए चरनी लगदे हाँ। कवन स जन जो सौदा जोरै। हे सच्चे पातशाह ओह केहड़ा श्रेष्ठ जन है जो तेरी प्राप्ति रूप सौदे नाल जोड़ना करे। महल साहा का किन बिद पावै। हे साहा शाहूकार रूप परमेश्वर आप जी का सचखंड रूपी महल किस बिद तरीके नाल पा सकीदा है। कवन सुबिद जित भीतर बुलावै। हे महाराज ओह कवन केहड़ा श्रेष्ठ बिद तरीका है जिस करके तू सानू तुरिया पद रूपी महल दे भीतर अंदर बुला लवे। तू वड साह जाके कोट बन जा रे। हे मेरे वाहिगुरु तू ही वड्डा शाह शाहूकार पातशाह है जाके किए जिस आप जी दे ही करोड़ा ही वणजारे वणज करन वाले जिग्यासु जन हन। कवन सुदाता ले संचारे। हे महाराज आप जी तो बिना ओह कवन केहड़ा दाता है जो साडे मन नूं लै के तेरे नाल संचारे मेलना करे। खोजत खोजत निज घर पाया। जदों वेदां नूं खोजिया जदों शास्त्रां नूं खोजिया खोजत खोजत लभदियां लभदियां सतसंगत द्वारा निज स्वै स्वरूप रूपी घर नूं पौणा कीता है। अमोल रतन साच दिखलाया। हे परमेश्वर तेरा रतना दी न्याई अमोलक सच स्वरूप गुरा ने अंदरों प्रगट करके दिखलाया दिखा दिता है। कर किरपा जब मेले साहे। हे साहे शाहूकार रूप परमेश्वर जदों आप जी ने किरपा मेहर दृष्टि करके पूरे गुरु जी मेल दिते हन। कौ नानक गुर कै वे साहे। सतगुरु साहिब जी कथन करते हैं कहिंदे हन कि उस वेले सतगुरां दे बचना ते वे साहे कि ये भरोसा बज गया है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।